अब जब हम इन डिवाइसेस का यूज करते हैं तो हमें थोड़ा सा स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमें किस तरह से मापना है, हमें क्या चीज है जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि हम क्या प्रिकॉशंस लें जब हम किसी वस्तु की लंबाई को मापते हैं, तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले स्केल को या मेजरिंग टेप को रखने का तरीका सही होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में हमने वस्तु को मापना है उसी ही डायरेक्शन में हमें स्केल या मेजरिंग टेप को रखना चाहिए। जैसे कि हमें बोर्ड को ऊपर से नीचे मापना है तो हम मेजरिंग टेप को भी ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे। यानी कि हमें मेजरिंग डिवाइस को मापने की युक्ति को लंबाई के अनुदेश रखना चाहिए। दूसरा, जब हम किसी भी वस्तु का माप ले रहे होते हैं तो हमारी आंख की जो जो डायरेक्शन है, हमारी जो दृष्टि की विजन की डायरेक्शन है, वो बिल्कुल उस स्केल से, उस पॉइंट से मैच करनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा स्केल है और हम इसमें पेन की लंबाई को माप रहे हैं, तो जैसे कि अगर हमने एक पॉइंट पर पेन को का ढक्कन को रखा है तो हमारी नजर बिल्कुल सीधा जो है वो एक की तरफ ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक को इस तरफ से देखूं या मैं एक को उस तरफ से देखूं, नहीं, बिल्कुल सीधा हमने आंखें जो हैं बिल्कुल कोऑर्डिनेट करनी चाहिए उस एक पॉइंट पे, यानी कि हमें उसको बिल्कुल सीधा देखना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम कोई मेजरिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम वैसे हमेशा जीरो से शुरू करते हैं, पर इस बार हमारे स्केल में जो जीरो है वो मिसिंग है। हमारे स्केल में जो जीरो के ऊपर कोई धब्बा लगा हुआ है जिसकी वजह से हमें जीरो नहीं दिख रहा, तो उस समय हम कैसे मापेंगे? तब हम क्या करेंगे, जैसे ये पेन है, हमने इसको जीरो से शुरू नहीं किया क्योंकि जीरो नहीं दिख रहा, हमने इसको 0.5 से स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 0.5 पर पेन को रखा है और इसकी लंबाई जा रही है 15 तक। तो हम, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो 0.5 था, एंडिंग पॉइंट हमारा 15 था, इसीलिए जो पेन की लंबाई है वो 15 नहीं होगी, वो डिफरेंस होगी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में, यानी कि 15 - 0.5 यानी कि 14.5 सेंटी। तो इस तरह से हम कुछ सावधानियों को बरत के इजीली जो है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करके लंबाई को माप सकते हैं। पर उसका क्या अगर हमारे पास कोई ऐसी वस्तु हो जो टेढ़ी मेढ़ी हो, जैसे कि ये तार है, आप इस तार को देख रहे हैं ना, ये सीधी नहीं है, तो इस तार की लंबाई कैसे मापेंगे? जो हमने तीन मेजरिंग डिवाइसेस यूज की, इससे तो काम चलेगा ही नहीं, तो क्या हमें इसके लिए कोई नया डिवाइस यूज करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए हम एक धागा लेंगे। धागे के एक किनारे पर हम गांठ लगा देंगे और उस गांठ को हम स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। अब धागा फ्लेक्सिबल है, इसको हम जैसे इसकी शेप है उसके अराउंड इस धागे को चलाते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जहां बेंड है वहां आपको रुकना पड़ेगा। इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे आप धागे को तार के बराबर चलाते जाएंगे और जहां बेंड ज्यादा होगा वहां थोड़ा सा पॉज लेंगे। वहां पर हमें धागा को पकड़ लेना है या इसको हम कैंची से भी काट सकते हैं। तो ये है हमारी तार की एक्चुअल लंबाई।
अभी धागा सीधा है, इसे आप आसानी से मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं। और देखिए धागे की लंबाई है 33 सेंटीमीटर। तो देखा बच्चों आपने कितना आसान है ना अलग अलग चीजों की वस्तुओं की लंबाई मापना। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए बाय। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।